Games of 2018 right around the corner, Sportskeeda has caught up with Abhishek Verma, an Arjuna awardee, a gold medalist at the 2014 Asian Games, a World Cup gold medalist, and many more accolades to his name. It's an absolute pleasure to be talking to you, sir, today. Can you tell us, the Indian team is right here and the camp is going on right now. So, tayari kaise ja rahi hai 2018 Asian Games ke liye, and kya umeed hai, and you guys optimistic about India's chances? अगर तैयारी की बात करी जाए तो शायद हम इतिहास दोहराने में लगे हैं कि 2014 की तरह जैसे हमारा गोल्ड सिल्वर और बहुत सारे मेडल्स आए थे, 4 मेडल्स आए थे, तो इस बार भी हम वैसे ही अपने आप को बूस्ट करें और मेडल्स लाएं. और प्रिपरेशन भी अच्छी है. इंडियन कंपाउंड टीम्स जो पूरी वीमेन का कैंप लगा हुआ है सोनीपत में साई सेंटर में, और बहुत अच्छे तरीके से एक अपने लेवल में जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो, चाहे वो हमारा रिजल्ट हो, चाहे वो अपकमिंग एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन हो. तो हर चीज़ बहुत अच्छे और स्मूथ लेवल पे जा रही है, और बहुत अच्छा अब तक की हमारा इस ये साल रहा है, और उम्मीद है कि अच्छा ही एशियन गेम्स निकल जाएगा. एंड लाइक यू मेंशन ना, क्या हुआ है आजकल इज द कंपाउंड टीम स्पेशली हैव बिकम फेवरेट्स. वो एक्सपेक्टेशन है कि मेडल आएगा. मे बी 4 साल 4 ईयर्स अगो इट वाजंट दैट मच द एक्सपेक्टेशन, लेकिन अब व्हेन यू गाइस आर लीविंग वो उम्मीद है कि मेडल आएगा. इज इट डिफरेंट टू गो विद दैट उम्मीद कि मेडल ही आएगा, एंड इज इट मोर प्रेशर? वो प्रेशर डज इट नहीं. अच्छा, सभी को लगता है कि उम्मीद उसी से की जाती है जो उम्मीद पूरा कर पाता है, और एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमसे उम्मीद कर रहे हैं लोग, और नो डाउट हम सारे इवेंट्स में अब तक मेडल ले लेके आ रहे हैं, और एशियन गेम्स में हमारी भी उम्मीद पूरी है कि ना सिर्फ मेडल आए बल्कि मेडल का रंग गोल्ड में हो जाए. तो उम्मीद पूरी है, देखिए कैसा क्या रहता है. और फैंस के लिए वन थिंग दे विल वांट टू नो इज व्हेन इंडिया गोज टू द एशियन गेम्स, मतलब हमारा कंटिंजेंट 500 लोग से ऊपर है, तो वो फीलिंग कैसा है व्हेन यू ट्रैवलिंग विद 500 ऑफ योर अदर एथलीट्स? यू मस्ट हैव ग्रोन अप विद देम, इतने सारे जोक्स होंगे, यू मस्ट नो देम प्रीटी वेल, तो वो फीलिंग कैसा है व्हेन सच अ बिग कंटिंजेंट? ये फीलिंग शायद मैं शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि एक अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है. इतने बड़े कंट्री, इतना पॉपुलेशन वाली कंट्री में से आप सेलेक्टेड टॉप 500 प्लेयर्स, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, और इंडिया का एक तरह से भार आपके ऊपर है, और आप वही कह सकते हैं कि निशाना नहीं चूकना चाहिए. तो उम्मीद पूरी अच्छे से रहेगी, और कह सकते हैं कि निराश नहीं होने देंगे. और अब एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभिषेक वर्मा आर्चरी कैसे, मतलब आई वांट यू टू टेक मी बैक टू वो कैसे, यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग दिस स्पोर्ट? जस्ट हॉबी चालू करा था मैंने, मेरे उसमें स्कूल में हुआ करती थी, तो जस्ट लाइक अ हॉबी कि ठीक है आप कोई गेम करिए, तो ठीक है गेम करना है. गेम मुझे नहीं मालूम हॉबी कब पैशन में बदल गई, कब मैं इसमें इतना अच्छे से घुल मिल गया कि मुझे अब पता नहीं कि मैं क्यों करता था, कैसे करता था. हाँ, बस ये है कि इनिशियली लेवल पे आपने अच्छा किया, नेशनल में गए, नेशनल में रिकॉर्ड करा, और फिर नेशनल रिकॉर्ड के साथ एशियन रिकॉर्ड हुआ, फिर एशियन रिकॉर्ड के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैयारी करी, और फिर उसके बाद मेडल्स मेडल्स मेडल्स, बस वो कैसे एडिक्शन हो गया मुझे भी पता नहीं चला. और एक चीज़, कैन यू टेल मी फॉर आर्चरी ना, ये पर्टिकुलर स्किल्स, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स यू कैन सी पीपल ट्रेनिंग? मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, और इट्स गुड टू हैव अपर बॉडी स्ट्रेंथ. आर्चरी के लिए व्हाट आर द मेन स्किल्स रिक्वायर्ड? एज सच कोई पर्टिकुलर कोई वो नहीं है कि आपको ये स्किल चाहिए, पर हाँ कि आप फोकस आपका एक होना चाहिए, वो डिस्ट्रैक्शन करने वाला ईजी ना हो, और फोकस होने से हाँ फोकस इज़ अ मेन फंडामेंटल कि कह सकते हैं कि आर्चरी का, कि अगर आपका है तो आप मालूम है आप कैसे टेन मारना है, कितने प्रेशर में टेन मारना है, आप हाथ शेक ना हो जाए ड्यूरिंग प्रेशर मैच. तो बस यही है कि फोकस जिसका अच्छा होगा वो अपने आप में अच्छा माहिर हो जाएगा आर्चरी में. कैन यू टेक अस बैक टू द एशियन गेम्स? ऑफकोर्स यू हैव वन मेनी मेडल्स, बट एशियन गेम्स में व्हेन द गोल्ड मेडल फॉर टीम इंडिया एंड द नेशनल एंथम, वो फीलिंग कैसा रहा, एंड इज इट वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ अभी तक? कह सकते हैं एशियन गेम्स में 2014 की अगर बात करें, फर्स्ट टाइम कंपाउंड इंट्रोड्यूस हुआ था, और हमको हमारे लिए एक ओलंपिक ही है, क्योंकि हमारा ओलंपिक में इवेंट है नहीं, तो बस ये था कि बस किसी तरह हमें बीट करना है, और ये मेडल हमें लेना ही लेना है. वो बीट करने के बाद जो नेशनल एंथम जो बजता है और जो अलग ही फीलिंग आती है, शायद ही कभी किसी मैंने कभी फील करी होगी किसी चीज़ में, क्योंकि एक आपकी वजह से, एक आपके
पूरा कंट्री का आप कर रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करके उसके लिए मेडल ले रहे हैं और टॉप पे आपकी कंट्री है, तो एक अलग ही फीलिंग है, उसको मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा। और उस पे एक और क्वेश्चन, सो दैट सेम एशियन गेम्स यू फिनिश्ड सिल्वर, लेकिन द नेक्स्ट ईयर यू वेंट टू द आर्चरी वर्ल्ड कप एंड यू वन द गोल्ड अगेंस्ट द सेम अपोनेंट, सो कैन यू टेल अस वो प्रोसेस कैसा रहा दिमाग में, यू स्टेड काम, यू स्टेड फोकस्ड? देखिए आर्चरी में जो लाइक जैसे कि अब वर्ल्ड कप की बात करा जाए तो उसमें 150 टॉप आर्चर्स आते हैं, अब हमें नहीं मालूम कि उसमें कौन गोल्ड लेगा क्योंकि मेडल सिर्फ तीन ही होते हैं 150 से तीन, हाँ वर्ल्ड, अब उसमें आप आपको अच्छा करना, वो तो एक अच्छा फ्लो था उस टाइम पे भी, मैं पीछे नहीं था बस, ठीक है उस दो पॉइंट का डिफरेंस अब कह सकते हैं आर्चर वो भी बुरे नहीं थे, आर्चर मैं भी बुरा नहीं था, उन्होंने गोल्ड लिया उस टाइम पे, मैंने सिल्वर लिया, पर नेक्स्ट में मैंने गोल्ड लिया, उन्होंने सिल्वर, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो ठीक है अप डाउन चलता रहता है। 10 साल बाद आई एम श्योर इफ यू मीट हिम यू गाइस विल लाफ अबाउट इट। अच्छा टेल अस नाउ यू वन सो मच, लेकिन इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू अचीव, मतलब आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और योर हाईएस्ट वर्ल्ड रैंकिंग फॉर एग्जांपल इज 3, यस, कवि डू यू वांट टू, इज इट यू वांट टू बिकम नंबर 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मैंने वर्ल्ड रैंकिंग के लिए कभी सोचा नहीं कि मेरी वर्ल्ड रैंकिंग लाइक अगर मैं स्टार्ट कर रहा तो 125 से थी, तो अब तक अप आती गई आती गई आती गई और अब वर्ल्ड रैंक नंबर 3 हो गया हूँ मैं। सीरियसली अभी भी मैंने नहीं सोचा कि वर्ल्ड नंबर 3 है और मुझे नंबर 1 पे आना है, मेरा बस ये है कि आपको मेंटेन करके चलना है, आपको इंडिया के लिए अच्छा खेलना है, लाइक मैं अब 6 साल से इंडिया टीम में और कंटिन्यू अच्छा कर रहा हूँ और मेडल्स आ रहे हैं, तो मैं बस इस फ्लो को आगे रखना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ 2024 में देखो उम्मीद पूरी है कि कंपाउंड इंट्रोड्यूस हो जाएगा ओलंपिक में, तब तक मैं ठीक है, 6 साल मेरे लिए बहुत अच्छा है कि पीक पे रहूं और प्रिपरेशन। यू 29 इयर्स ओल्ड अभी, सो यू हैव मेनी, यस ये कह सकते हैं आर्चरी में एज सच कोई गेम का ये एज का कोई फैक्टर नहीं है, तो ठीक है ऐसे मेंटेन करके चलो। फैंस डोंट हैव टू वरी, काफी लंबा जर्नी इज लेफ्ट, कैन यू जस्ट टू रैप दिस अप, अ मैसेज टू ऑल द यंग फैंस हु आर वाचिंग and who want to get inspired to take up archery as a sport, who are already doing archery, a message from you will be wonderful for... मैं आर्चरी के लिए नहीं बोलूँगा कि आर्चरी ही अगर आप करें कि पर्टिकुलर ये करें, मैं जनरली ये बोलूँगा कि पेरेंट्स से, बच्चों से, हर एक से, मेरे एक वन ऑफ द वो लीजेंड वो रहे हैं सतपाल सर, वो उन्होंने गाइड मतलब एक इंटरव्यू में और एक उसमें जनरली इंटरेक्शन होता है, तो उन्होंने उनकी बहुत अच्छी बात लगी थी, बच्चों को मैसेज देते थे कि खेलो, आपको जो दिल करता है वो खेलो और पेरेंट्स का काम है उनको खिलाओ, जिस गेम में भी खिलाना चाहें खिलाओ, अच्छा प्लेयर बने ना बने पर अच्छी उसकी सेहत ज़रूर बन जाएगी। तो ये है कि कब जैसे मेरा था कब हॉबी पैशन में बदल गया मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही उनको मोटिवेट करो, उनका भी पता नहीं कब कैसे वो हाइक ले जाएं, आपको भी पता नहीं चलेगा चलते चलते कहाँ पे वो पहुँच जाएं। तो यही है कि पेरेंट्स से कि हर एक को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ, एज अ हॉबी करवाओ, गेम करवाओ और उनको फ्री छोड़ो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा सब चीज़ें, एक मेंटल लेवल, एक स्पोर्ट्स एक एनर्जी जनरेट करता है जो अलग ही नॉर्मल में और स्पोर्ट्समैन में कुछ फ़र्क होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है और बच्चों से और जो आने वाले अपकमिंग यूथ हैं उनसे ये बोलूँगा कि सिर्फ बिना किसी टेंशन के और बिना किसी वो अचीव करने के मतलब कि नहीं मुझे ये पाना है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, खेलो, एंजॉय करो, आप बहुत अच्छा करोगे। आई थिंक अभी तक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेजेस आई हैव हर्ड, आई हैव टेकन मेनी इंटरव्यूज, लेकिन दिस विल सोली इंस्पायर द पेरेंट्स एंड द किड्स, और यू हैव गिवन मी सच अ नाइस आंसर, तो लेट द फैंस गेट टू नो यू थोड़ा मोर एक्स्ट्रा, जस्ट अ रैपिड फायर एंड मे टू नो योर फेवरेट मूवीज एंड स्टफ। आपका कोई फेवरेट मूवी? बाहुबली। ओके, फेवरेट गाना अगर है तो? वो चलते चलते वो जो गाना आया था चलते चलते यूं ही शायद होगा। और फेवरेट सिंगर या कोई है? अभी तो बादशाह चल रहा है, यूजुअली गाने मेरे गाड़ी में बादशाह के चलते हैं सारे। और यू ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो फेवरेट शहर या कंट्री? जर्मनी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में उसमें बर्लिन है, ओह मजा आ गया। और आप रिलैक्स करने के लिए क्या करना, व्हाट यू लाइक टू डू टू रिलैक्स? मैं सारे गेम खेलता हूँ लाइक मुझे बहुत पसंद है सारे गेम्स को इंट्रोड्यूस करना, मतलब हर एक में घुस जाना, तो ऐसा कोई इवेंट नहीं, ऐसा कोई गेम नहीं जिसको मैं नहीं करता, जहाँ पे भी जो भी मौका मिल जाता है मैं कर देता हूँ। ओके, फेवरेट खाना?
फेवरेट खाना कह सकते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ तो वेजिटेरियन के लिए नॉन वेज चिकन इज कह सकते हैं चाप आइटम है, वो बहुत बढ़िया है। और यू आर एनी अदर स्पोर्ट्स का हीरोज लाइक अदर देन आर्चरी, इफ यू हैव एनी फुटबॉल से या क्रिकेट एनी अदर हीरोज, टेनिस? अपने आप में एक लीजेंड स्पोर्ट्समैन रहे हैं सुशील कुमार जी, उनको देख करके हर कोई एक कहते हैं ना कि एनर्जी बूस्ट होती है, वो है वो। ओके, इट्स बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल टॉकिंग टू यू अभिषेक वर्मा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एंड आई एम श्योर आवर फ्लैग विल फ्लाई हाई वंस अगेन। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज योर होस्ट कौशल राज, साइनिंग ऑफ फॉर स्पोर्ट्स कीड़ा। हैव अ वंडरफुल।